हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूहेल। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो हम HTML के लिए जो यूज़ होती हैं वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में अगर आपने डिस्कस करना है तो वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि जैसे कोई यहाँ पे ये कोई एक ह्यूमन बीइंग है। अब अगर आप देखें, अगर आप सिंपली कहें कि देखो, मान लो ये अगर ये इससे इस तक कोई अपनी बात पहुँचाना चाहे, अभी पहुँचा सकता है? नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि इनके बीच में कोई लिंक नहीं बना। मैंने क्या किया, इनके बीच में एक लिंक बना दिया। अब इनके बीच में एक लिंक जो बन गया, वो लिंक मतलब इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है। दिस इज अ नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया नेटवर्क। इसके बीच में भी नेटवर्क हो सकता है, इसके और इसके बीच में भी नेटवर्क हो सकता है, और इसके और इसके बीच में भी नेटवर्क हो सकता है। तो अब अगर ये वाला जो है, चाहे ये वाला आदमी जो चाहे यहाँ से अपनी बात इसने इस तक पहुँचानी है, तो वो इस तक अपनी बात पहुँचा सकता है। कैसे पहुँचाएगा? ये अपनी बात इसको बताएगा और यहाँ से आगे इस तक, क्योंकि ये सारे आपस में एक नेटवर्क में है। ऐसे ही अगर और लेके चलें आगे फर्दर, ये देखिए, अब अगर ये इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ। अब ये वाला जो है ये इस तक लास्ट वाले तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है तो पहुँचा सकता है, क्योंकि ये लिंक्ड है। तो हम देखें यहाँ पे क्या है, इन सब के बीच में आपस में क्या है, नेटवर्क है। इन सब के बीच में आपस में क्या है, नेटवर्क। मैं N लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। They are having networking here. इन सब के बीच में एक नेटवर्क है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है, दैट इज नेटवर्क। ऑफ networks. इसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि बेसिकली ये N है, दिस इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बस तो अब ये जो हमने देखा, पर यहाँ पे अब सिर्फ ये बदल करना है आपको, ये जो ह्यूमन बीइंग है इसको बदल के यहाँ पे मान लो हमने कंप्यूटर्स रख दिए। ये देखो, ये कंप्यूटर्स रख दिए यहाँ पे हमने। ये देखिए, ये कंप्यूटर रख दिए। अब ये वही बात है कि ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, जैसे ये ह्यूमन बीइंग्स आपस में जुड़े थे। तो आप सिंपली बोल दो कि इस कंप्यूटर को आप इस कंप्यूटर के साथ जोड़ दो, बीच में एक वायर बिछा दो, वायर लगा दो, तो आप बोल दो कि इंटरनेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट बेसिकली क्या है, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सो दिस इज इंटरनेट, कि जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अच्छा, अब इसमें आता है, एक नेक्स्ट चीज आती है, क्लाइंट और सर्वर, वो भी हमें देखना होगा। पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे अब हम जब HTML करेंगे या इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं पहले, तो इंटरनेट का जो है वो सारी पूरी वर्ल्ड में जितनी भी वायर्स बिछी हुई हैं और नेटवर्क्स मतलब आपस में कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा शेयर कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, वो वायर्स के थ्रू हो रहा है और कहीं कहीं टावर्स भी लगे हुए हैं। तो सारा का सारा आपका एक इंटरनेट है जो फिजिकली प्रेजेंट है वायर्स।
और पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई हैं अंडर द सी, यानी ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो यहाँ पे जिन्हें हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये पूरे वर्ल्ड में बिछा दी गई है, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये इस जो इमेज में दिख रही है, तो ये है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। आप देखिए इनको किस तरह से बिछाई गई हैं अंडर द सी। तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही ये वायर्स बिछाई गई है। अब उसके बाद जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कि अब इंटरनेट तो हमारे तक पहुंच गया, बट इंटरनेट में जो अब जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे कैसे। वो इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे तो उसके लिए हमें एक चाहिए जिसे हम कहते हैं वेब पेज। ठीक है, से कहते हैं वेब पेज। अब ये वेब पेज क्या है बेसिकली? ये वेब पेज जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप जब भी इंटरनेट ओपन करते हैं तो जब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे आप कई बार सर्च करते हैं गूगल में सर्च करते हैं, तो जो आपके सामने वो जो पेज दिख रहा होता है वो एक वेब पेज है सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई नोटबुक का पेज होता है उसे कहते हैं नोटबुक का पेज आ गया, बुक का पेज। तो पेज सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन या डेटा ही दिखाता है, तो वैसे वेब पेज भी होता है। तो वेब पेज बेसिकली क्या हो सकता है? वेब पेज इज बेसिकली व्हाट हम सिंपली कह सकते हैं द पेज ऑन द वेब। पेज ऑन द वेब इज नोन एज वेब पेज। सिंपली फिर इसमें आता है नेक्स्ट वेबसाइट। अभी वेबसाइट जो है ये क्या होती है? जिसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे हमारी वेबसाइट है, जैसे आप अगर ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट है compuhealthindia.com, या आप देखें जो फेमस हैं जैसे google.com, आप जो यूज़ करते हैं facebook.com, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारी एक वेबसाइट कही जाती है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। इंटरनेट हमारे तक पहुंच गया, मतलब वायर्स बिछा दी गई, पर अब हमारे पास एक और चीज़ ऐसी चाहिए कि जो हमारे पास अगर नहीं है तो हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। और वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है वेब ब्राउज़र। अभी वेब ब्राउज़र क्या है? अ सॉफ्टवेयर which works as an interface between the web एंड द यूजर। सो सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द वेब एंड द यूजर। अब यहाँ पे वेब क्या होता है बेसिकली? वेब वो होता है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसी को हम वेब कह देते हैं। तो उसको अगर आपने देखना हो इंफॉर्मेशन को, तो आप हो यूजर, ठीक है ना? तो आपने देखना हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो वही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है हमारा जैसे गूगल क्रोम। जैसे यहाँ पे आप देखें ये वाला सॉफ्टवेयर, ये गूगल क्रोम जो है। एक और भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो
तो मान लो कौन कौन से जैसे आप यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं आप गूगल कंपनी का, गूगल क्रोम, फिर एक यूज़ करते होंगे आप मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, एक यूज़ आप करते होंगे और भी जैसे सफारी, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सफारी यूज़ करते हैं। सफारी यूज़ करने के बाद और भी जो कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वाला जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पहले ये ज़्यादा चलता था, उसके बाद अब गूगल क्रोम जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपने भी मोस्टली कोशिश करनी है कि आप जो क्रोम ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है उसको यूज़ करना है। तो ये वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या है कि हमारे जो वेब में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको अगर हमने ब्राउज़ करना है, जैसे मान लो अगर मैं इस क्रोम पे क्लिक करूँगा, अभी तो जैसे मान लो इंटरनेट हमारा है नहीं, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा, ये एक वेब पेज आप देखें, दिस इज़ अ वेब पेज बेसिकली, ये जो है ये जो आपके सामने आ रहा है ये एक वेब पेज है, और जो ऊपर आप टाइप करेंगे जैसे मान लो गूगल, .com, ये आपकी वेबसाइट है, जब इंटरनेट लगा होगा, कनेक्टेड होगा तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये होगी वेबसाइट, youtube.com, ये भी एक आपकी वेबसाइट है, दिस ऑल्सो वेबसाइट। तो ऐसे हमने जो आज सीखा है वो सीखा है कुछ इंटरनेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कैसे वेब क्या है, और वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, और इंटरनेट क्या है। सो आज के लिए अभी तक यही सीखेंगे, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो है वो क्लाइंट सर्वर, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, और HTML के बारे में स्टार्टिंग हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।